हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं रीजनिंग प्रैक्टिस का रूप में वन क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया 0, 6, 24, 60 मिसिंग 210, मतलब नंबर सीरीज दिया गया है जो मिसिंग पता करना है। ओके, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 120। ओके, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर सीरीज में पहले क्या चेक करना है? प्लस चेक करना है, नहीं तो माइनस चेक करना है। जो बड़ा इंक्रीज हुआ, नहीं तो डिक्रीज हुआ। ये तो पूरा इंक्रीज ही हुआ है, पहले इंक्रीज चेक करेंगे। प्लस 6 यहाँ पे भी प्लस 18, 24 माइनस 60 प्लस 36, ये तो पता है नहीं। उसके बाद कैसे था इसका दोनों का रिलेशन? प्लस 12 ये भी प्लस 18, उसके बाद रिलेशन था प्लस 6। उसके बाद चेक करेंगे बी प्लस 6 होगा, तो प्लस 6 करने से 18 प्लस 6 24, प्लस इसको ये 24 इसको ऐड करना है, यहाँ से प्लस 24, 36 प्लस 24 70, 60 प्लस 70 130, 130 तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर भी नेक्स्ट वाला भी चेक करेंगे, प्लस 6, प्लस 6 करने से 24 प्लस 6 30, 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 130 230, मतलब ऑप्शन क्या था? 210 इसमें, तो 230 तो नॉट सेटिस्फाइड, तो ये प्रोसेस रॉन्ग है, मतलब प्लस भी नहीं होगा माइनस भी नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे? ये तो जीरो है, सिक्स है, सिक्स किसका पास में था? टू क्यूब का पास में था, और 24 थ्री क्यूब का पास में था, 60 फोर क्यूब का पास में था, जो 210 सिक्स क्यूब के पास में था, तो ये कैसे दिया? वन क्यूब माइनस वन करने से क्या आएगा? जीरो आएगा। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला चेक करेंगे, टू क्यूब माइनस टू, टू क्यूब माइनस टू करने से टू क्यूब एट माइनस टू मीन्स सिक्स, ये भी सेटिस्फाइड। थर्ड थ्री क्यूब माइनस थ्री, थ्री क्यूब मीन्स 27 माइनस थ्री 24, ये भी ओके। उसके बाद फोर क्यूब माइनस फोर, फोर क्यूब मीन 64, फोर 60, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो फिर क्या आना चाहिए आंसर में? फाइव क्यूब माइनस फाइव 125 माइनस फाइव 120, इसमें क्या आना चाहिए? 120, ये तो ऑप्शन में भी है बी। ओके, लास्ट वाला क्या दिया? वो भी सेटिस्फाइड होना है। सिक्स क्यूब माइनस सिक्स, सिक्स क्यूब मीन्स 216 माइनस सिक्स 210, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर आंसर क्या होगा? 210। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।